ये बच्चे जंगल में कैंप ट्रिप में आए हैं। बच्चे एक पेड़ के पीछे खड़े होकर इस काले सांप को देख रहे होते हैं। पीली टी शर्ट वाला बच्चा उस सांप का नाम रबर बॉय बताता है। तभी उनका एक दोस्त आगे से आता है और उस काले सांप को मार डालता है। डायलिन को बुरा लगता है, इसलिए वह उस सांप के पास जाता है और उसके ऊपर मिट्टी डाल देता है। जैसे ही वह अपने दोस्तों के पास वापस जा रहा होता है, तभी पीछे से एक लाल रंग का सांप आ जाता है। उसका दोस्त सांप को आते हुए देख लेता है, लेकिन जब तक वह लोग उसके पास आते तब तक सांप डायलिन को काट लेता है और झाड़ियों में वापस चला जाता है। सभी वहां आ जाते हैं। पीली टी शर्ट वाला बच्चा जिसका नाम जैक है, वह उन लोगों से सांप का रंग और उसकी पूछ का रंग पूछता है। वह लोग सांप और पूछ दोनों का रंग लाल बताते हैं। फिर लड़का किताब में देखता है और उस सांप का नाम ब्लैक विडो मेकअप बताता है। वह बोलता है कि अगर सांप की पूछ का रंग अगर काला है तो डिलन को कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर वह लाल है तो डिलन मर जाएगा। बड़ा लड़का डिलन को बैठाता है और बैल से उसका पैर कस देता है। फिर टेलर जहर चूसने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। फिर वह लोग कई देर आपस में बात करने के बाद एक निष्कर्ष पर आते हैं कि डिलन का पैर काटना पड़ेगा। पहले तो डिलन विरोध करता है, लेकिन बाद में मान जाता है। वह लोग उसका पैर काटने ही जा रहे होते हैं कि डिलन की नजर उस लाल सांप पर जाती है और वह देखता है कि उसकी पूछ काली है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी।